हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर नंबर 5, वन एंड मोर देन वन, एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ लिखा है वन टॉय। ठीक है, तो एक टॉय है तो वन टॉय, लेकिन यहाँ पे अब ज़्यादा हैं, वन टू थ्री टॉयज हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है थ्री टॉयज, एस लग गया है ना, यहाँ पे क्या लग गया, एस। तो ये जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्लूरल। ये हो गया सिंगुलर, ये हो गया सिंगुलर नंबर, क्योंकि इसमें सिर्फ एक है और इसमें है एक से ज़्यादा, वन टू थ्री, थ्री है ना, वन से ज़्यादा है, तो थ्री टॉयज, एस लगा दिया हमने इसमें। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है वन प्लेट, तो एक है तो यहाँ पे हमने प्लेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे टू प्लेट्स हो गई ना, तो टू प्लेट्स के लिए हमने लगाया है एस, है ना, टू प्लेट्स। ओके, नेक्स्ट लिखा है वन कार, एक कार है तो हमने कार लिखा है, लेकिन यहाँ फाइव हो गई तो कार्स हो गया, सी ए आर एस, कार्स हो गया, है ना। नेक्स्ट लिखा है वन वॉच, एक घड़ी, जब एक होता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन, लेकिन जब ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, तो हम लिखते हैं उसको प्लूरल नाउन, हम उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। जैसे यहाँ पर लिखा फोर वॉचेस, ई एस लग गया, वॉचेस। ओके, तो हम पढ़ेंगे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में, डेफिनेशन उसकी। व्हेन ए नाउन टॉक्स ऑफ वन थिंग वी से द नाउन इज इन द सिंगुलर नंबर। जब कोई भी नाउन जिसके बारे में बात हो रही है वो एक हो, है ना, एक नाउन के बारे में बात हो रही हो, एक किसी एक व्यक्ति हो या कोई एक वस्तु हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस नाउन को सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, सिंगुलर नंबर। जैसे कि यहाँ पे व्हेन ए नाउन टॉक्स ऑफ मोर देन वन थिंग वी से द नाउन इज इन प्लूरल नंबर। जब कोई भी नाउन एक से ज़्यादा होती है तो हम उसको प्लूरल बोलते हैं, प्लूरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है वो, अगर वो दो एक से ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है, तो उसको हम प्लूरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अभी मैंने हमने ऊपर पढ़ा था टॉय, प्लेट, कार, वॉच, ये सब एक थी, इनको सिंगुलर नंबर बोला गया। लेकिन हमने पढ़ा था उसके बाद जब एक से ज़्यादा हूँ, टॉयज, प्लेट्स, कार्स एंड वॉचेस आर नाउन्स ऑफ प्लूरल नंबर, ये सब प्लूरल नंबर है ना। ओके, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एस या ई एस नहीं लगता, जैसे कि यहाँ पे लिखा है वन वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, एम ए एन लिखा है, अभी ज़्यादा हो गई, फोर हो गई तो फोर वुमेन, एम ई एन हो गया। नेक्स्ट है वन चाइल्ड, है ना, तो यहाँ पे देखिए एक बच्चे के लिए सी एच आई एल डी चाइल्ड लिखा है, लेकिन अगर बहुत सारे हो गए तो सिक्स चिल्ड्रन, आर ई एन लगा दिया, चिल्ड्रन, आर ई एन लगा दिया, चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है वन मैन, एम ए एन मैन, लेकिन जब बहुत सारे मैन हैं तो उसके लिए क्या कर दिया, एम ई एन, टेन एम मैन, एम ई एन, एम ए एन की जगह एम ई एन हो गया, है ना। नेक्स्ट है फुट, एफ डबल ओ टी फुट, तो इसका जब इसके जब दो हो जाएंगे, दो की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फीट, एफ डबल ई टी फीट, तो यहाँ पे डबल ओ का क्या हो गया, डबल ई, है ना। फिर वन गूज, यहाँ पे देखिए डबल ओ है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, डबल ई, गीज, है ना, जब ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डबल ई हो जाएगा, डबल ओ का क्या हो जाएगा, डबल ई। ओके, डबल ओ की जगह हमने डबल ई कर दिया। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। ठीक है, टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच पिक्चर। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम, अगर सिंगुलर, अगर एक पिक्चर में एक दे रखा होगा तो हम सिंगुलर लेंगे, अगर ज़्यादा दे रखे होंगे तो हम प्लूरल लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बस कितनी है, बहुत सारी बस है ना, तो ये हो गया बसेज, है ना, बसेज पर टिक लगाएंगे। ओके, फिर है स्टार, एक स्टार है ना, तो हम स्टार पर टिक लगाएंगे, एस टी ए आर, स्टार पे, ना कि स्टार्स पे। ओके, यहाँ पे देखिए मैंगोज ज़्यादा है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हैं, तो यहाँ पे मैंगोज पे टिक लगाएंगे। ओके, फिर है ग्लास, ग्लास तो एक ही है, तो हम ग्लास पर टिक लगाएंगे, ना कि ग्लासेस पे।
नेक्स्ट ये देखिए बॉल क्या है, एक ही बॉल है तो हम बॉल पे टिक लगाएंगे, वी ए डबल एल बॉल। उसके बाद ये गूगल, तो ये दो हैं तो हम लिखेंगे गूगल्स, ओके प्लूरल वाले पे टिक लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है राइट द सिंगुलर वर्ड फॉर द गिवन प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्टार, स्टार्स लिखा है, इसका स्टार्स का हमें सिंगुलर लिखना है तो हम एस हटा देंगे, लिखेंगे एस टी ए आर स्टार, ओके। नंबर टू ये लिखा गीज, यहाँ पे देखिए जी डबल ई एस ई, अभी मैंने बताया था आपको डबल ई का क्या हो जाता है डबल ओ, है ना, जी डबल ओ एस ई, ठीक है। नेक्स्ट है कैप्स, यहाँ पे हम एस हटा देंगे, लिखेंगे सी ए पी कैप, ओके। नेक्स्ट है बेल्स, तो बी ई डबल एल एस, तो एस हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे वी ई डबल एल बेल। नेक्स्ट है शूज, शूज में हम क्या करेंगे एस हटा देंगे, एस एच ओ ई शू, ठीक है। फिर नेक्स्ट है केक्स, तो केक्स में से हम एस हटा देंगे, लिखेंगे सी ए के ई केक। उसके बाद है फीट, तो फीट का क्या हो जाएगा फुट, एफ डबल ओ टी फुट, ठीक है, ई डबल ई की जगह क्या हो जाएगा डबल ओ। फिर नेक्स्ट है लेग्स, एल ई जी एस, तो यहाँ से हम इसका सिंगुलर बनाएंगे तो हम एस हटा देंगे, लिखेंगे एल ई जी लेग, ओके। नेक्स्ट नंबर नाइन रूम्स, तो यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है, जब हम इसका सिंगुलर बनाएंगे तो एस हटा देंगे, लिखेंगे आर डबल ओ एम रूम। लास्ट में है एच ए एन डी एस हैंड्स, तो हैंड्स में से हम एस हटाएंगे और लिखेंगे एच ए एन डी हैंड, ये बन गया इसका सिंगुलर, ओके स्टूडेंट्स। फिर सी वाली एक्सरसाइज है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स बाय एडेड ई एस और एस, हमें एस और ई एस ऐड करके प्लूरल बनाने हैं इसके, ठीक है। यहाँ वन बॉक्स है, जब टू हो जाएंगे, टू बॉक्स हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे बॉक्सेस, क्या लिखेंगे हम बॉक्सेस, बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस, ओके। उसके बाद है वन टेम्पल, तो ये हो जाएंगे थ्री, यहाँ यहाँ पे देखिए थ्री टेम्पल दे रखे, तो टेम्पल का क्या हो जाएगा टेम्पल्स, तो हम यहाँ लगाएंगे एस टी ई एम पी एल ई एस टेम्पल्स, ओके। उसके बाद है वन मैंगो, अब यहाँ पे है सिक्स मैंगो, तो हम ये मैंगो थोड़ी ना लिखेंगे, हम लिखेंगे मैंगोज एम ए एन जी ओ ई एस मैंगोज, ओके। नेक्स्ट है वन बस, तो एक बस है तो वन बस, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लिखेंगे बसेस बी यू एस ई एस बसेस, ओके। उसके बाद है ब्रश, एक ब्रश है तो हमने ब्रश लिखा, लेकिन जब ज़्यादा ब्रश हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे ब्रशेज बी आर यू एस एच ई एस, ठीक है। उसके बाद है शू, वन शू, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे शूज एस एच ओ ई एस शूज, ठीक है। इनके आगे आप नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टू बॉक्सेस, थ्री टेम्पल्स, सिक्स मैंगोज, एट बसेस, हमें करेक्ट करके लिखना है ना, तो हम इसके आगे नंबर भी लिख सकते हैं, थ्री ब्रशेस, फाइव शूज, ओके। और जैसे वन बुक है तो हमने बुक लिखा, लेकिन जब ज़्यादा हो गए तो हम थ्री बुक्स लिखेंगे ना, थ्री बुक्स। नेक्स्ट है वन कार, फोर कार्स, क्या लिखेंगे कार्स एफ ओ यू आर फोर कार्स, ओके। नेक्स्ट है राइट द सिमिलर वर्ड फॉर ईच अंडरलाइन वर्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे द बॉय कैन प्ले, सिंगुलर बनाना है ना तो हमने एस हटा दिया, ऐसे ही नेक्स्ट में लिखेंगे डैट शॉप हैज टॉय टी ओ वाई टॉय, ठीक है। नेक्स्ट है द वॉच, वॉचेस प्लूरल है, वॉच इसका सिंगुलर होगा, विल टिक टॉक, ओके। बाकी सब हमें सेम लिखना है, बस हमें क्या करना है जो कलर्ड हैं उनको हमें चेंज करना है सिंगुलर में, मैंगोज का क्या हो जाएगा मैंगो, आर
आर नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे इज द मैंगो इज किंग ऑफ फ्रूट, एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स, बाकी तो सेम लिखना है हमें, बस हमें मैंगो का मैंगोज का क्या कर देना है मैंगो। ओके नेक्स्ट है द वर्ड्स, तो लिखेंगे द वर्ड इज ऑन द ट्री। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी बुक में और नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में करना है। ओके थैंक यू।